फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी MI A3 मोबाइल है तो कैसे आप अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ठीक ब्लूटूथ के नीचे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे मोबाइल डेटा का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रीसेट सेटिंग पर कर देना है क्लिक। अगर आपने पासवर्ड या पैटर्न लॉक सेट किया है तो आपको ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको ओके पर कर देना है क्लिक। तो आप इसी तरह से मोबाइल डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।